सर सर एक चीज बताइए, अगर यही नतीजे रहे, आम आदमी पार्टी मान लीजिए 50 रही, बीजेपी 19, क्या शाहीन बाग को अब अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए क्योंकि सरकार को जो मैसेज देना था चला गया? नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि शाहीन बाग का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आंदोलन खत्म करना चाहिए कि नहीं? आंदोलन तो खत्म होना ही, आंदोलन ना ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए था और ना ही, अरे नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ मैसेज चला गया ना सरकार को, अब क्या अनंत काल तक चलेगा वो? नहीं नहीं, बिल्कुल मैसेज बिल्कुल चला गया है। आज नफरत की राजनीति हार गई है और शाहीन बाग जीत गया है, ये बात तो है। वो बड़ी अब देखिए, अभी अभी अरे नहीं, अभी 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 आप मुझे सीट दिखा के कह रहे थे एंटी इनकंबेंसी है ये आम आदमी पार्टी की, और अब शाहीन बाग जीत गया। मैं ये बता रहा हूँ कि एक जानकारी देता हूँ, अभी वहाँ पे जो महारानी बाग का जो वो सेंटर है, वो जहाँ पे काउंटिंग चल रही है, जिसमें ओखला के आसपास के इलाके की काउंटिंग, वहाँ पे मीडिया सेंटर पे जो है वो पत्रकारों को पहुँचने नहीं दिया जा रहा, ये मैं आपको एक अच्छा एक चीज बताइए, ओखला में इसलिए वो सही बात मत कीजिए, ओखला में मुझे बताइए, नहीं नहीं ओखला में मुझे बताइए, बीजेपी आगे है, अगर ओखला बीजेपी जीत गई तब शाहीन बाग का मैसेज क्या है, जीते के हारे नहीं जीत सकती, कभी नहीं जीत सकती, जीत गई तब आप देखिए। मैं भी चलिए, ये तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते। हाँ, एक मिनट देखिए, मेरा ये मानना है कि ठीक है शाहीन बाग, हम उस पर क्वेश्चन नहीं करते उनकी ऑनेस्टी इंटीग्रिटी पे, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी एजिटेशन या कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन इनडेफिनेट नहीं होता, उसकी एक डेट होती है। दुनिया में बड़े बड़े हुए और आपको डेमोन्स्ट्रेशन जिसके खिलाफ करते हो आपको बात उसी से करनी पड़ेगी। इसलिए सुनिए, अब ये डेमोन्स्ट्रेशन एंडलेसली तो हो नहीं सकता, अब कोई रास्ता निकालना पड़ेगा बैठकर बात करने का। और आप बात किससे करोगे? आपको बात अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ही करनी पड़ेगी, आप राहुल गांधी से तो कर नहीं सकते, शरद पवार से नहीं कर सकते, तो आपको बात तो, अब मैं समझता हूं कि ये मौका शुरू करना चाहिए। रजत जी आपने वो जेपी आंदोलन भी देखा है, इमरजेंसी का आंदोलन भी देखा है, अगर सरकार को मैसेज चला जाए तो क्या उसके बाद ये आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए? देखिए, सरकार को तो मैसेज पहले से ही था, मतलब चुनाव के नतीजे के अंदर थोड़ी सरकार कर रही थी मैसेज लेने के लिए। सरकार जानती है कि वहां जो लोग बैठे हैं किस लिए बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। ये नहीं कि वहां जो लोग बैठे हैं वो सच्चाई नहीं जानते, सब जानते हैं कि सीए से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सब जानते हैं कि एनआरसी का कोई जिक्र नहीं हुआ, कोई तैयारी नहीं हुई, कोई कानून नहीं बना, लेकिन एक जिद है जिसको पकड़ के बैठे हैं, वो सेंटिमेंट है। मुझे लगता है उस सेंटिमेंट को एड्रेस करना चाहिए, उनसे मेरिट पर बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। आप उनको बार बार यही बातें बार बार कहते रहे, कोई सुनेगा नहीं। उनका जो इमोशन है, और इमोशन क्या है, डर है, उस डर को दूर करने की जरूरत है, ये विश्वास पैदा करने की जरूरत है कि हम आपको नहीं निकालेंगे, आप पर कोई नुकसान नहीं होगा। इस इमोशन को जब जीत लेंगे, इस डर को दूर कर देंगे, तो आंदोलन खत्म होगा। लेकिन बार 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 ये दिखाया जाएगा, देखिए बार रजत जी ये ओखला की सीट जो है ये सिंबल बनी रहेगी, जब तक इस ओखला की सीट पर ये भगवा रंग दिखाई दे रहा है, ये दिल्ली में शाहीन बाग क्या कितना बड़ा मुद्दा रहा उस पर हमेशा एक सवाल खड़ा रहेगा।